मराठा आरक्षण की पार्श्वभूमि पर सियासत काफी तेज हो चुकी है, जिसके चलते नागपुर स्थित रवि भवन में नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित पत्र परिषद में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने विभिन्न मुद्दों पर वक्तव्य किया। इस समय शहर अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे समेत विधायक अभिजीत वंजारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री विलास मुतिमवार समेत कांग्रेस के मुख्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इस समय मराठा आरक्षण के विषय में बोलते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि यह फुले शाहू आंबेडकर का महाराष्ट्र है, या चाहकर भी मणिपुर जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं की जा सकती और भाजपा हमेशा से ही जनगणना के खिलाफ कार्य करते आ रही है। इस वक्त आश्वासन देते हुए नाना पटोले ने स्पष्ट किया कि आगामी चुनाव में यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो मराठा ही नहीं साथ ही सभी पिछड़ी जातियों को भी मुख्य प्रवाह से जोड़ने का काम कांग्रेस करेगी। या राज्यामध्ये बीजेपीने किती आलावण्याचा प्रयत्न केला तरी मणिपूर ते करू शकणार नाही। आमचंही लोकांना आव्हान आहे की यांच्या आग लावीमध्ये तुम्ही बसू नका, आपसाआपसात भांडू नका। आणि आमचा दावा आहे यांना देता आरक्षण यांना, कारण की हे जनगणनेच्या विरोधात आहे, सेन्सेसच्या विरोधात बीजेपी आहे, हे कधी आरक्षण देऊ शकणार नाही। पण आमच्या नेते राहुल गांधीजींनी जी भूमिका घेतलेली आहे, आमचं सरकार राज्यात केंद्रात आलं, आम्ही मराठ्यांना आरक्षण देण्याची भूमिका आमची असेल। कोणाचं आरक्षण काढून नाही, 50% जी मर्यादा आहे ती पण आम्ही काढून टाकू। आणि जनगणनेच्या आधारावर ज्या जाती, फक्त मराठाच नाही, ज्या जाती मागासलेल्या असतील त्या सगळ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा संकल्प काँग्रेस पक्षाचा आहे, आणि ते प्रामाणिकपणे काँग्रेस पक्ष या देशामध्ये राज्यामध्ये करेल। अखिल भारतीय सेवा दल कांग्रेस नागपुर के अध्यक्ष कृष्ण कुमार पांडे का देगलूर की भारत जोड़ो पदयात्रा के दौरान हृदय गति थम जाने से निधन हो गया, जिसके विषय में कांग्रेस द्वारा घोषित आर्थिक सहायता उनके परिजनों को नहीं दी गई। ऐसी चर्चा सियासी गलियारों में है, जिस पर अल्फाजी प्रहार भी किए जा रहे हैं। इस विषय में बोलते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने स्पष्ट किया कि यह मात्र कांग्रेस के विरोध में षड्यंत्र जहर घोला जा रहा है। कृष्ण कुमार और कांग्रेस के संबंध पारिवारिक है, इसमें किसी और ने दखल अंदाजी करना ठीक नहीं है। एक गोष्ट असा है कि आमच्या कोणी विरोध करत असेल त्याला भाग नाही आहे, मला तेच म्हटलंय ना, कृष्ण कुमार पांडेच्या परिवारातलं कोणी बोलत असेल तुम्हाला सांग। ही गोष्ट आमचं त्या परिवाराचं काँग्रेसचं नातं काय आहे ते आमचं पारिवारिक नातं आहे, आणि या नात्याला कोणी बाहेरचे लोक कलंक लावायचा प्रयत्न करत असतील तर तो त्यांचा प्रश्न आहे। पण जी बाब आहे ती आमची बाब आहे, आता काही भेटत नाही अशा पद्धतीचं कोणी करत असतील तर तो त्यांचा प्रश्न आहे। कॅमेरा पर्सन अजित कुवर के साथ मनीष टेंबरे की रिपोर्ट।